नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जो बीएसएफ एससीएम की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसमें पीएसटी पीईटी होने वाला है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड के साथ ले जाने हैं, उसका दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि दिसंबर में उसका पीएसटी जो होने वाला है दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ ले जाने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो सभी हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें, यू शुड ब्रिंग विथ यू ऑल ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों पहली बात तो ये कि आपको सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो सभी आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, एज वेल एज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, और उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले जानी है सभी डॉक्यूमेंट की, और वो दोस्तों पूरी तरीके से सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि आपके उस पर साइन होने चाहिए दोस्तों, जो भी उनकी फ़ोटो कॉपी जेरोक्स कॉपी होगी वो सब। अब दोस्तों डेट इज़ एजुकेशनल, कौन कौन से आपको ले जानी है दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए आपको, टेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास सर्टिफिकेट दोस्तों, जो आपकी टेंथ का सर्टिफिकेट और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट उन साथियों को ले जाने हैं जो ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट, और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको अपना नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट ले जाना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये उन साथियों के लिए है जो केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उन्हीं के लिए है ये, इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। और दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें दोस्तों ये दिया हुआ है फॉर्मेट, तो उसी फॉर्मेट पर आपको बनवा कर ले जाना होगा। एनओसी फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयर एंड डिसिप्लिनरी विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब दोस्तों एनओसी सर्टिफिकेट जो भी प्रेजेंट में एम्प्लॉई है किसी डिपार्टमेंट में, उनको एनओसी ले जानी है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है, और 2 NOC ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 2 ही ले जाएँ, आप ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के समय पर दोस्तों सेल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको डिस्क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको क्या क्या चीज़ ले जानी है, टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट, टेंथ प्लस ट्वेल्थ की दोस्तों सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, एससी एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी में उनको दोस्तों अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले जाना, और ईडब्ल्यूएस में केवल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाना और फ़ोटो ले जानी है। दोस्तों ये चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी है, और फॉर्मेट कौन सा है जो आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को आप पढ़ें तो वहाँ पर नीचे दिया हुआ होगा, उसी फॉर्मेट पर आपको बनवा कर ले जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा और हम क्लियर कर कर आपको बता देंगे, तो यही सब चीज़ें ले जानी है, और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।